Thank you.
अर्जुन इंद्र बखाओ जाके बजाने लगे, कोई नृत्य करने लगे और वहाँ पर कृष्ण की पास नारिया जी को लोगों ने भी उसको दर्शन एक तरह से उद्धव की उद्धव को प्रपंच पक्ष में ही बुला दिया घाट के रूप में महिला प्रिंस को छोड़ते हैं। और इसके बाद में हम लोग फिर खो गए जहाँ राधा कृष्ण के एकदम निकट में एक सियारी थी, उसको कुत्तों ने कुछ खदेड़ करके उसको पकड़ करके काट करके मारना था। मारने के बाद में उसकी छीटा जलाई गई तो उसमें से वो सुंदरी गोपी देव प्राप्त करके विरोध वृंदावन है। इसलिए राधा कृष्ण की बड़ी महिमा है। इसके बाद में हम लोग श्री रघुनाथ जी के समाधि स्थल पर और उनके भजन स्थली में गए और तत्पश्चात और विभिन्न स्थानों का दर्शन करके संगम में स्नान आचमन करके वहां से हम कुसुम सोलह घूमते हुए लौट आए। आज का विषय है श्री राधा तत्व, राधा पुण्य के। इसलिए वक्ताओं से अनुरोध है वो 15-15 मिनट बोलने की से कि बहुत से वक्ता है सबको बोलने का अवकाश मिले। इसलिए पहले श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी जी को निर्देश देता हूँ बजाने को सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए 1-2 मिनट के लिए कोई बात नहीं। पहले रसानंद ब्रह्मचारी जी आई और आज
गोवर्धन अंतर्गत राधा कुंडा परिक्रमा को हम लोग किया है। इसलिए गुरु जी का आदेश है राधा कुंड हम राधा कुंड को बोलने उनको बोलने के लिए अब उन्होंने लोगों ने बंदे श्रवण किया है जहाँ पर उन्हें कैकुंठ देवी की वृंदावन को प्रवर्तन का स्थान प्रदान करते हैं और वह वृंदावन देवी जहाँ पर भगवान जी पर आ रही है जहाँ पर प्रेम की पावन जम कर बनाया उनसे भी सर्वत्र स्थान मान के श्री बृंदाल गोवर्धन क्योंकि जहाँ पर हुए श्री गिरिराज गोवर्धन ने सर्वत्र स्थान श्री राधा कुंड और श्याम कुंड बनाया है। कहते क्यों कारण क्या है जब श्री राधा कुंड और श्याम कुंड को बताया क्योंकि गिरिराज का दो आंख है चक्षु है जैसे किसी व्यक्ति को जब हम दर्शन करते हैं उसको बुखार शब्द को हम दर्शन करते हैं बुखार शब्द से मानव की गंदा और बुखार शब्द में किसको दर्शन करते हैं हमारा नेत्र किसको पर करना है कहते आठ लोगों पर क्योंकि संपूर्ण शरीर में जो सर्वश्रेष्ठ अंग बताया ये चक्षु है। अगर कोई व्यक्ति बड़ा सुनता है यदि उसका चक्षु ही क्या बोलते हैं अंधा है इसलिए एक आग को देख करके ही पता चलता है ये व्यक्ति बुद्धि ना उसको आग नहीं बताता इसलिए राधा कुंड नाम को बताया गया ये उनका दो चक्षु है। आज हम लोग श्रवण कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु जब कृष्णा वृंदावन आ करके दर्शन करते करते वे जब राधा कुंड और श्याम कुंड में आते थे महाप्रभु विभोर हो जाते उस स्वयं भगवान सब कुछ जानते हैं सभी हुए प्रजवासियों का अनुगत्य नहीं पाएंगे उनका अनुगत्य नहीं प्रजमंडल दर्शन में नहीं जाएंगे इसलिए महाप्रभु यहाँ पर प्रश्न किया यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड कहेंगे लोगों ने कहा यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड कहेंगे यहाँ पर एक तालिक में सब गौर करते हैं वहाँ पर जानते हैं पर यही राधा कुंड और श्याम कुंड महाप्रभु ने स्नान और आचरण किया करके श्रीमद चैतन्य महाप्रभु उसी समय अपना बुखार चिंतन के लिए राधा कुंड श्याम कुंड का कुछ महिमा बताए महाप्रभु ने कहा कैकुंठे विश्व कृष्ण राधिका जल के राधा कुंड श्याम कुंड में राधा कृष्ण दोनों उसमें करते हैं इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड भगवान का विशेष पांच लीला भगवान ने किए हैं जो लीला अंदर ब्रह्म काम देखने को मिलता है एक उनका जल लीला रात को काल में वो जल लीला करते हैं उनका दूसरा लीला श्री गौता लीला सुंदर भगवान ने उनका तीसरा लीला वहाँ पर भगवान दूला की है और वहाँ पर भगवान कुंज लीला की है और वहाँ पर भगवान मधुपान किया है जिस पर मधुपान करके उसमें ऐसा उसमें डूब जाते हैं कहते भगवान वहाँ पर ये लीला की कहते सही कुंडे एक बार परे जनी महावीर मैया तीरे नृत्य करे कुंड लीला मैया कुंडे माधुर जैन राधा माधुरी कुंड महिमा जैन राधा महिमा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कभी कुंडल महिमा देगा राधा महिमा कभी क्यों कहते जो कुंडल है इसे महाप्रभु उन श्लोक को उच्चारण करते हैं कभी जैसा राधा प्रियम कुंडल प्रियम तथा सर्व गोपेश से बैठा विष्णु ने दर्शन करता कभी भगवान का श्री राधा ने जैसे प्रिय कभी एक कुंडल जैसे प्रिय है क्योंकि ये कुंड कभी ये कुंड नहीं ये भक्ता राधा रानी राधा कृष्ण जी यहाँ पर कुंड रूप में प्रकट हुए हैं इसलिए कृष्ण आक्रमण कर रहे थे जिस समय श्री कृष्ण कुंड प्रकट हो गया तब राधा कुंड राधा जी से राधा कुंड को प्रकट किया प्रकट करने के बाद योग माया ने वृंदावन को आदेश दे दिए वृंदे यही के लिए स्थान को सुंदर सजाओ
लेकिन किसी की आराधना भविष्य का अनुभव समझ सकते ही हम यहाँ पर हो। इसलिए कृष्णा देवी योग माया के आदेश से चारों तरफ से सुंदर सुंदर रूप सूर्य बना दी है। इतने अक्षर कक्षाओं के लिए अलग अलग सूर्य, अक्षर कक्षाओं के लिए अलग अलग उन्हें सूर्य बनाए। वहाँ पर गणना किया, कोई सूर्य केवल पुष्पों को करा, कोई सूर्य केवल कच्चे को करा, कितने सुंदर सूर्य, किसी कुंज का रंग बिंदु करना, किसी कुंज का रंग कुंज का रंग भैंस करना, किसी कुंज का रंग सफेद करना। और एक एक राधा गोविंद जब उसका अंदर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही जब कुंज का रंग और इनका रंग बराबर हो जाता है। कोई पास में आ करके अगर कोई देखना चाहेंगे तो देख नहीं सकते, क्रिया कीर्तन कहीं से निकाल करते इतने सुंदर उन्होंने कुंज बनाया। और सुंदरता चारी तरफ में हमने चार सुना बनाए, सुंदर सुंदर सुना। जिस समय प्रिया कीर्तन में गुलाम बैठी है, इसके बारे में सुना झूलन कला एक भाग है। जब गुलाम बैठी है झूलते थे उनका प्रतिबिंब पानी के ऊपर में पड़ता था और वहाँ पर चारी तरह का कमल का पुष्प में आग खिला, जहाँ पर रक्त वर्ण का पुष्प घी लाल चार तरह का वहाँ पर कमल का पुष्प यहाँ पर मिलता था, जिससे सुंदर राज हंस जिसमें विहार करते थे। और चारों तरफ के कुंड का जो बेटी सुंदर कभी दर्शन को गणना करने के लिए सुंदर बीच को बेटियों को वहाँ पर बनाया। और बीच में अनंत मंदिर की कुंड बीच में बनाए, इसलिए बड़े सुंदर रूप में ये राधा सुंदर श्याम सुंदर को बड़े सुंदर रूप में वहाँ पर वहाँ पर सजा दी है। और तरह तरह का वहाँ पर पुष्प और तरह तरह उन्होंने क्रिया को दिया है, जो सुंदर कलर करते थे, जैसे कलर हमने की जहाँ पर राधा की सुंदर रूप में गुणगान करते थे। इसलिए राधा सुंदर सिद्धांत सुंदर सुंदर ही अंधकार रूप में राधा कृष्ण ही दोनों वहाँ पर सुंदर रूप में प्रकट हुए। और संपूर्ण पृथ्वी के जितने सारे शिक्षा है, सारे शिक्षकों का समागम जितने सारे शिक्षकों का, इसलिए जिला रघुनाथ दास गोस्वामी सुंदर की महिमा को बता देते वे बता देंगे। कहते वृंदावन सुरंगम अभी सत श्रीमान का गोवर्धन वृंदावन से कहते भगवान का जो गोवर्धन इसमें सर्वश्रेष्ठ है, उसमें रामदत्तन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये जो स्थान सर्वश्रेष्ठ होने पर भी लेकिन राधा कुंदन श्याम सुंदर की महिमा इतना श्रेष्ठ राधा कुंदन श्याम सुंदर की महिमा जिस महिमा के सामने पृथ्वी का जितने सारे स्थान थी उसका एक अनुभव भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर स्थान का पांच अनुरूप उस स्थान को सर्वश्रेष्ठ बताया। कहते स्थान क्या है, कभी राधा कुंदन श्याम कभी चार वहाँ पर कृष्ण लीला हुआ करती थी, कभी जहाँ पर मध्यान्ह की लीला हुआ करती थी। मध्यान्ह में राधा रानी के जावर से कृष्ण देव ने गया कराने के लिए आते थे, जहाँ पर वहाँ पर मिलन करते थे। क्या तो वहाँ पर रहते थे कौन, किसी को साथ में वहाँ पर लीला हुआ करती थी। कहते केवल कपट का गोपियों को करा, वहाँ पर कोई दीपक का गोपी वहाँ पर नहीं, कपट का गोपियों को करा जहाँ पर भगवान लीला की। इसलिए कोई कोई तुलसी कुंडम कमजोरी चरित्र का स्थान बता दें, किन्तु वहाँ पर भी राधा कृष्ण की मधुर मधुर लीला हुई। लेकिन महाराज का सिद्धांत है, कहते नहीं ये राधा कृष्ण यहाँ पर नहीं कर सकते। कहते कारण क्या, कहते कारण कहते कभी कभी वहाँ पर यशवंत लीला आ जाता, लेकिन ये राधा कृष्ण ज्ञान होगा ये संपूर्ण रूप में योग माया के द्वारा ये रक्षित स्थान था, जहाँ पर कभी जटिला कुमिला कभी यहाँ पर नहीं आते। इसलिए जहाँ पर स्वच्छ रूप में राधा कृष्ण का वहाँ पर लीला विलास जहाँ पर स्वच्छ रूप में हुआ है। इसलिए और महाराज बताते हैं कोई कोई प्रेम में
And it is by her
because she is the very embodiment of Krishna's Kundalini Shakti Bhakti, through which Krishna enjoys transcendental pleasure, through his transcendental senses. So she is the embodiment of the highest development of this Kundalini Shakti Bhakti, which is called Mahabhava. Therefore, she is called Mahabhava Swarupini. So, Srimati Radhika plays the role of extracting unlimited love from Sri Krishna and also distributing it outwardly, outside, in all directions. Therefore, as stated in the Patna Purana, this place where Srimati Radhika has her own kunda, her own transcendental Indian place, this place is not different from Srimati Radhika herself. Yatāgātā kriyāna viṣṇo, tasya kundam kriyāna chatā, karmakā bhokīśu sāyvārgā viṣṇo akhyānta bhagavadā. She, Radha Kunda, is not different than Srimati Radhika, who is the akhyānta bhagavadā, the most beautiful mother of Sri Krishna. So to understand that Radha Kunda, we have to refer to Sri Upadesha Vrita, Sri Rupa Swami. Because Rupa Goswami, he is describing the gradual comparative analysis of all places within the entire creation and of all devotees within the entire creation. And there he describes Karmic Jat Paito Hadim Prasadayat Jatim Yayun Jnanam Devyo Jnanam Yivuk Sabakti Parama Premant Adishta Sabah So, in the material world, there are so many living beings who are in the level of karma. Karmitya. They are performing only ordinary, pious, and impious activities. But more dear to Sri Krishna than those of the Jnani, because the Jnani, they have now sacrificed a little bit to understand their connection with the absolute reality. Amongst the Jnani, there are the Vastas, who now have accepted the path of eternal devotion, and they have given up the land of exploitation and renunciation both. Now they have entered into the land of meditation. Amongst those personalities, most of them are the Vrajbhogis because they're completely dependent on Krishna. They're completely maintained at every moment by their vision of Krishna. And most among them is Srimati Radhika because she is the very embodiment of Krishna's name. So Srimati Radhika, her kunda is as worshipable as she herself is. And in that, in the worship of that transcendental kunda, all the Vaishnavas are taking shelter. Who, Srila Rupa Goswami asks the question, who is there that is intelligent, that is actually able to discriminate properly, who will not take shelter in? So it is Rupa Mubaraka, our Gaudiya Guru Acharyas, they are giving us the highest focus for our bhakti development. And they are bringing us to this very highest place of all accomplishments which only Sri Chaitanya Mahaprabhu has manifested within this world. As Srila Gurudev was describing to us today, all the other places in Russia, they were manifested by the Goswami, who Chaitanya Mahaprabhu sent, who Garga Goswami also, and his personal associates like Lokanath Goswami. They came and did bhajan here in Russia. And they reveal the internal pastime places of Sri Krishna. But for Radha Kunda and Shyama Kunda, Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu, who is the combination of Radha and Krishna themselves, only he could reveal this Radha Kunda in this world. So Chaitanya Mahaprabhu is bringing all the jivas to the highest destination, where Radha and Krishna, they are playing in their internal pastimes, especially in Madhyaya Yuga, where they are, as described before, without interdependence.
the Russians probably among the Russians almost fully. So therefore, Shri Guru Goswami, at the end of Upadesha Shamrita, he says, Krishna Sriyotra, Pranaya Vasati, Pranaya Sita, Vyadha, Sundam Chasya, Purita, Avita, Sata Yeva, Vyadhai, Yat Prashara, Kapiyavam, Asudavam, Yim Kunar, Bhakti Vajam, Sattvay Vaisam, Sattva Vadi, Sarasthas, Sadhya, Abhish, Sarodhi. On this verse, when we put it to come to the highest of all places, Sri Ramakrishna, and to begin to hear about the glories of this gathering of the place. And that's told by Srimati Ramakrishna, Srila Gurudev, he is revealing the glories of Srimati Ramakrishna's transcendental loving pastime with Sri Krishna to the entire world. He is bringing this to manifest in the hearts of all the life lovers throughout the world. So if we follow in his footsteps and take shelter of his majesty, then one day we will find ourselves serving the lotus feet of Radha and Krishna on the banks of Radha and Krishna. যে উপকারের মুখ্য নিজেদের মধ্যে বলা হয়েছে
অমূল্য গ্রন্থের মধ্যে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন রামায়ণ অবস্থানের মধ্যে এইরূপ মহাব্যক্তি যদি আমরা সন্তান করতে পারি
এই তিন কারণের জন্য সেই
Why?
is a touch of ego. Some vijaya, some who are against them, the nature of Radha Krishna, but Kundila and Kundila, they may go there, or some sakhi from some other group. But Yogya, Radha Krishna is protected by Yoga Maya. But what does it mean that Radha Krishna is protected by Yoga Maya? For a lunch day, she is Yoga Maya for all our sons, and that's the sakhi of Bhagavan and Madhurya. But during the day, she is Yoga Maya, and she is in the Sakhi. So at Radha Krishna, there are two paths. One goes from Radhakund in the direction of Gauri Kirtan, and the other one goes from Radhakund in the direction of the meadow where Krishna very safely comes for bathing. So when the Sakhi herself, being Yoga Maya and protecting Radhakund, she sends one goatee to the path that leads to Gauri Kirtan, and tells her, if any Sakhi of Chandravati who wonders his way, you should come from Lion and Cheetah and let them go away. And so another goatee, she says, go and stand on the other path that goes to Gosha, and if any cow is going in one way, also you cheat them and send them the other way. In this way, practically, Vrinda Devi, Yoga Maya, is protecting the Radha Krishna from the entrance of anyone except for Radhika and her consciousness. Here at Radha Krishna, his speciality is that Radhika is Swadhini Vasika. Swadhini Vasika. But practically, what does it mean? So Radhika has many moves of heroism. Avitarika Bhagavatya, Kalahandrika, Kanchita, Sadhita Bhagavatya, etc. But the heart is in that mood, Swadhina Bhagavatya. It means that heroine, who by her love, brings her beloved completely under her control, wherever she will go, he will follow like a shadow. And she will give orders to him. So Radhika will order Krishna, oh Krishna, you should do my decoration. Do my decorations. Put the cosmetic on my eyes. Make pictures with Kasturi on my body. It seems that Radhika is very like controller. But actually, this is her very high love of friend. In her meeting with Krishna, she attains Krishna Mayaka. She feels I am one with Krishna. But now, if anyone else decorates me, these decorations will not be Krishna. Then put Krishna himself. His harshest mouth can become the gajo on my eyes. Krishna himself, being Shyam Sundara, should melt and become the Shyam Phala Kasturi and become the painting on my body. So these are some of the very elevated people of the Mahabharata present in Radha Krishna. I don't have no qualification to hear, remember, or speak any of these things. But under the guidance and shelter of the Lord Sikhan Singh Gurudev and Joseph Gurudev, I have done so, so if you have made any mistakes, please forgive me. And if I said anything that was correct, it was by the Lord Sikhan Gurudev. Thank you.
Thank you.